नमस्ते, आज मैं बात करूंगी ईस्ट डायरेक्शन पर। सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो ईस्ट से निकलता है। ईस्ट जो डायरेक्शन है वो बहुत ही ऑस्पिशियस डायरेक्शन है। वास्तु के लिए जैसे नॉर्थ बहुत ही ऑस्पिशियस है, वैसे ही ईस्ट डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से सोलर एनर्जी मीन्स प्राणिक ऊर्जा जो है वो आती है। ईस्ट से एनर्जी आकर वेस्ट की तरफ जाती है, तो इसका मतलब है ईस्ट में दरवाजे खिड़कियाँ सब होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए। अगर घर का ईस्ट अच्छा है, मीन्स अगर आपके घर का ईस्ट जो है वो खुला हुआ है, वहाँ पर प्रॉपर लाइट है, प्रॉपर दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, वेंटिलेशन है, इट मीन्स वहाँ पर रहने वालों का सोशल सर्कल अच्छा होगा, उनको नेम फेम मिलेगा, हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। और अगर जॉब करने वाले हैं तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जिनके होरोस्कोप में ईस्ट जो है मींस कि ईस्ट का ग्रह जो है सूर्य है वो अगर अच्छा है तो उनको अच्छी जॉब मिलती है, उनका एक जॉब में एक अपना एक स्टेटस होता है। और जिन लोगों के घरों में ईस्ट में कोई भी दरवाजे खिड़कियां नहीं है, या फिर ये कहें कि साथ वाला घर है जिसके कारण उनको ईस्ट से कहीं से भी लाइट नहीं आ रही, कहीं से भी कोई वेंटिलेशन नहीं है, वो अपने आप में इन्वॉल्व रहते हैं, अपने आप में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, सोशली ज़्यादा जो है वो बाहर नहीं इंटरेक्ट नहीं करते, और उतना उनका नेम फेम भी नहीं होता, उनकी समाज में उनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नाम नहीं होता, जान पहचान नहीं होती। इवन कि जैसे बिजनेसमैन है उनके लिए भी अगर ईस्ट खुला हुआ है, उनका ईस्ट जो है ओपन है, बैलेंस्ड है, तो उनके पास अच्छा बिजनेस जो है कम एफर्ट से ही उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। और बच्चों की बात करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अगर पढ़ने वाले बच्चे भी अगर उनके घर का ईस्ट खुला हुआ है तो वो क्लास में एक बहुत अच्छा रैंक प्राप्त करते हैं, मींस कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं और उनका एक अच्छा नाम होता है। तो इस तरह घर में ईस्ट डायरेक्शन की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये जितना खुला हुआ होगा, वेंटिलेशन होगा, लाइट होगी, उतना ही आपका सोशल सर्कल, आपका नेम फेम, हेल्थ, करियर, जॉब, ये सारी चीज़ों को ये इफ़ेक्ट देगा। थैंक यू।